मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रधान, गुरु आयुर्वेद से। अब बात करते हैं उन्माद की चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ द मैनिया। जब हीन सत्व वाले व्यक्ति, उसके मन पर कोई आघात लग जाता है तो उसकी बुद्धि चलायमान हो जाती है और कुपित दोष हृदय में पहुंच करके, शास्त्रों में हृदय लिखा है लेकिन वो मस्तिष्क में पहुंचते हैं, पहुंच करके मनोवह स्रोतों को घेर कर उन्माद उत्पन्न कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें रोगी की स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन के साथ रोगी को विरेचन करके उसके स्रोतों को शुद्ध कर लेना चाहिए। वातज रोगी को सिरस तेल से और पित्त रोगी को महाकल्याण घृत से तथा कफ के रोगी को पंचगव्य घृत से स्नेहन करना चाहिए। उसका सेवन करने के बाद रोगी को आश्वासन दे करके, उसको समझा बुझा कर या डरा धमका करके उसको शांत करना चाहिए। जब तक रोगी शांत नहीं होता तो उसकी चिकित्सा असंभव हो जाती है। फिर रोगी को ब्रह्मी घृत का सेवन कराएं। ब्रह्मी घृत आपको मार्केट में मिल जाएगा, या मैं इसके लिए एक अलग से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और कल्याण घृत, ब्रह्मी घृत और महापैशाचिक घृत, ये घृत बहुत अच्छे हैं, इसके लिए कारगर हैं। और अगर रोगी का बीपी हाई रहता है तो सर्पगंधा घनबटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज को ब्रेनी का सिरप, हमने अपनी एक ब्रेनी का सिरप है उसका प्रयोग किया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके लिए मेन चीज़ है ब्रह्मी, जटामासी और सरस्वती, वच, ऐसी चीज़ों के योग जिस चीज़ में है, घृत है या सिरप है या कोई चूर्ण है, जैसे सरस्वती आदि चूर्ण है, उनका प्रयोग करने से रोगी को लाभ मिल जाता है। रोगी को स्वच्छता का ध्यान दें, आश्वासन दें और शुद्धता का ध्यान देते हुए उसको धार्मिक माहौल में रखा जाए तो मरीज ठीक होना संभव है। धन्यवाद। नमस्कार।